sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सरे करवाने के लिए। डॉक्टर ने चेकअप तो किया है थोड़ा बहुत, आज हमारा जो है दूसरा दिन है। तो याग्निक अभी चढ़ रहे हैं सीढ़ियां एक्सरे कराने के लिए। एक्सरे में क्या निकलता है हम आपको बताते हैं। ओके, एक्सरे जो है हमने निकलवा लिया है और सोनोग्राफी भी हो गई है। तो याग्निक और पप्पा ये दोनों जा रहे हैं साथ में आगे, और मैं जो इनके साथ ही चल रही हूँ। तो दवा खाने जाते हैं, वापस हॉस्पिटल जाने के लिए बोला है। वापस भी आगे क्या प्रोसेस होती है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ओके, there will be a time. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't. 3 hours later. तो गाइस अभी हमारे याग्निक का रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर ने बोला था 1 बजे वापस आना, रिपोर्ट ले जाना। रिपोर्ट में क्या है अभी हम बताते हैं आपको। तो फाइनली गाइस घर पर पहुंच चुके हैं और याग्निक की रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, सिर्फ नॉर्मल आया है। डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि उनके जो कण थे वो कम हो गए हैं और अभी यहाँ पर ये आराम कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर ने जो है याग्निक को आराम करने के लिए बोला है, कुछ काम वाम कुछ भी नहीं करना है थोड़े दिन तक, यानी कि 3 से 4 दिन तक आराम करना है। और उन्होंने बोला है कि फुल खाना पीना कुछ भी मना नहीं किया, कि ये चीज नहीं खानी है। सब चीज डॉक्टर ने खाने के लिए बोली और अभी हम पहुंच गए हैं घर पर। और खाना जो था मम्मी ने तैयार करके रखा था, क्योंकि मैं जो थी आज सुबह से ही बाहर थी, सुबह 8 बजे से मैं बाहर थी। तो अब याग्निक को लेकर हॉस्पिटल से लेकर अब मैं घर आई हूँ। ओके, तो अभी खाना तैयार हो चुका है तो हम खाना खा लेते हैं। और याग्निक से पूछते हैं, भूख तो लगी होगी सुबह से, खाना है आपको? खाना है, चलो उठो खा लो। ओके, तो अभी हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, फाइनली गाइस हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। ये देखिए आप, याग्निक भी बैठ चुके हैं खाने के लिए, पाव भाजी छाछ। मम्मी भी यहाँ पर बैठी है, मैं भी यहाँ पर बैठ गई और पापा वहाँ पर बैठे हैं। तो अभी हम सब लोग खा लेते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। ओके, फाइनली गाइस हम हमारे घर पर थे तो याग्निक कैसा बोल रहे थे कि मुझे मामा के घर पर जाना है। तो अभी हमारे मामा के घर पर, तो हम मामा के घर पर पहुंच गए थे 7 बजे। तो थोड़ी देर बैठे सबके साथ, फिर बाद हमने खाना बनाया। खाना बनाने का कर रहे खाने की तैयारी। आप देख सकते हैं कि मैंने बनाई अभी सेव टमाटर की सब्जी और पापड़ है। रोटियां बनकर तैयार हो चुकी है, वो उस रूम में जा चुकी है। तो अभी हम सब कुछ लेकर जाते हैं वहां पर और खाने के लिए बैठते हैं। तो संभव हुआ तो हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, नकर तो कोई बात नहीं, फिर बाद में हम एंड कर देंगे। क्योंकि याग्निक की तबीयत में थोड़ा रिकवर दिख रहा है अभी, आज तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि आज जो हमारा था दूसरा दिन था दवा खाने का, तो अभी थोड़ा अच्छा है उनको, तो आराम करने देंगे। बहुत ज्यादा उनको बोलना नहीं है, डॉक्टर ने एकदम मना किया बोलने के लिए। तो व्लॉग जो है कंटिन्यू मैं ही करूंगी। ओके, तो अभी हम खाना खा लेते हैं, फिर बाद में आप सबसे मिलते हैं। ओके, चलिए बाय। गाइस खाना हमने खा लिया है और सब कुछ काम भी हो चुका है, हम हो चुके हैं फ्री। और अभी मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर याग्निक को दवा देनी है, तो दवा निकाल देती हूँ और फटाफट उनको दवा देके फिर थोड़ी देर आराम करने देते हैं, सो जाएंगे फिर आराम से। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज की दिनचर्या में इतना ज्यादा कुछ था नहीं, फिर भी मैंने आपको दिखाया जितना मेरे से संभव हो चुका इतना मैंने सब कुछ आपको बताया। ओके, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। और मैं एक खास बात वापस बोल देती हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और आप जितना हो सके उतना खाना घर का बना हुआ खाइए। ओके, बाहर का आपको नहीं खाना, जितना हो सके आप घर का बना, जो भी आपको खाना है सब घर का बना हुआ खाइए। ओके, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।